गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे ये टाइम तो बिल्कुल गुड मॉर्निंग करनी है, बताऊं क्यों? ये देखो, रात के 7:30 हुए हैं आज। मतलब मैंने दिन में व्लॉग बनाया, सब कुछ किया, पर बाद में मैं आज वो सुबह वाला अपलोड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्यों? आज मेरे पास उससे भी बढ़िया कंटेंट है। मतलब मेरे हाथ में वो नाइट लाइफ चेंजिंग वाले शॉर्ट्स बनाता हूँ ना, उसके ऊपर ये कमेंट आया भाई। ये देखो, आप ये अभी इस साइड में कमेंट देख सकते हो, ये कह रहा मैं फेक बनाता हूँ, इसको प्रूफ चाहिए भाई, गाली क्लोज कर रहा है। तो भाई इतना मेरा वो क्या कहते हैं, सहन करने की मेरी सहन शक्ति इतनी नहीं है, अब इसको प्रूफ दूंगा मैं। आज नाइट व्लॉग बनूंगा, मतलब मैं रात में जो कुछ भी करूंगा ना, वो शॉर्ट्स में जो शॉर्ट्स में डालता हूँ ना, आज वो पूरा पूरा मैं व्लॉग बना के डालूंगा, ताकि फिर से मेरे पास ऐसे कॉमेंट ना आए। यार बहुत बुरा लगता है जब आप पूरी रात है ना पढ़ाई करो, बुरा तो क्या लगता है, वैसे पढ़ाई तो मुझे करनी होती है, मैं करता ही हूँ हमेशा, पर यार तो भी ऐसे कमेंट देख के ऐसे बुरा लगता है कि यार भरोसे नहीं करते। पर बाद में मुझे ये भी पता कि हाँ, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग फेक बताते हैं, करते हैं, तो इसी कारण भी तो ये भी कारण हो सकता है कि हर किसी को भरोसा ना हो। पर मेरे केस में ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ में डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, पर थोड़ा यार पूछने का भी वो लज्जा होता है, ऐसे गाली क्लोज करके मत पूछा करो। तो ठीक, आज मैं अभी पूरा आपको बताऊंगा कि हाँ मैं रात में कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, सब कुछ। डिनर टाइम, एक सेकेंड रुकना, वापस दरवाजा बंद करना है, और ये मेरी रूममेट की पानी की बोतल मैं यूज लूँगा, क्यों मैं पानी की बोतल भर के ही नहीं लाया, तो इसकी पानी की बोतल ही मैं काम में ले लूँगा। ये देखो, ये मेरा सारा सामान टेबल पे पड़ा रहता है, और खाना खाता हूँ तब नीचे, और बाद में वापस टेबल पे। देखो मैं अभी रात में ऐसा करता हूँ, हमेशा खाना खाता हूँ 8:30 बजे तक मेरा खाना वगैरह हो जाता है, फिर आधे घंटे घर पर बात करता हूँ, ऐसे कुल मिला के 9 बजे तक तो मैं ऐसे फ्री हो जाता हूँ, फिर एक घंटा ये थोड़ा बहुत करते हैं मेरे रूममेट वगैरह इधर उधर हल्ला शोर शराबा, तो मैं भी कभी कभार उसमें इन्वॉल्व होने के बाद में 10 बजे से अपनी क्या कहते हैं पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। मैं नॉर्मली हर दिन 10:30 बजे से फिर वो स्टार्ट करता हूँ, 10:30 बजे से स्टार्ट होती है ना, तो वो सुबह 5:30 इतने बजे चलती है, और उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ, मेरी नाइट इतनी रहती है, क्यों उसके बाद तो नाश्ता करना, फिर ये वीडियो एडिट करना, उसमें टाइम निकल जाता है, और ये सब करने के बाद में मैं कॉलेज जाता हूँ। ठीक, अब मेरी नाइट स्टडी स्टार्ट होती है, आप रुको एक सेकेंड, ये देखो 10:30 हो चुके हैं, ढंग से दिख रहा हो तो, यार एक तो फ्लैश लाइट बहुत तेज है, और रुको अब एक तो ये टाइम नहीं, मैं गूगल पे भी टाइम बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपने एक दोस्त से पूछा ना, तो वो कहा कि तू ये गलत करता है कि तू फोन में ऐसे नॉर्मल टाइम बता देता है, गूगल पे टाइम बताया कर, ताकि गूगल पे एकदम जेन्युइन होता है, ऐसे तो कोई ना चेंज भी कर सकता है, इसलिए फेक लगता है। तो मैं आपको अभी गूगल पे भी टाइम बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुकना, ये देखो 10:29 हुए, 10:29 हुए, मतलब अभी एक मिनट मुझे गूगल खोलने दो, खुल जा खुल जा खुल जा, TIME, ये देखो 10:29 हुए हैं, तो चलो अभी मेरी पढ़ाई अब मैं स्टार्ट करूंगा, और आज रात में मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, NDA है, फिर मेरे रूममेट ने मुझे सी लैंग्वेज के क्वेश्चन दिए थे, वो भी मुझे करने, उसको असाइनमेंट मिला है पर वो करता नहीं, मेरे से ही करवाता है, तो वो मुझे करने है, और फिर टाइम मिला तो मुझे इलेक्ट्रिकल की फाइल भी बनानी है, क्योंकि आज हमें नया प्रोजेक्ट दिया है इलेक्ट्रिकल में भी, तो वो भी करना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी राहुल सर ने मुझे प्रोजेक्ट दिए है, तो वो भी करने है, मतलब मेरे पास करने को बहुत कुछ है, बस टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैं रात में जगता हूँ कि हाँ रात में एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकूँ और वो सारे काम कंप्लीट कर सकूँ। तो ठीक, अब मैं शुरुआत में NDA से ही करूँगा, क्योंकि NDA तो वो क्या कहते हैं दिल में बसा है ना, NDA के अलावा और कुछ नहीं चाहिए अब ज़िंदगी में अभी के लिए, तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैं अभी मेरे NDA में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक चैप्टर बचा था,
एक चैप्टर क्या, एक लेक्चर बचा था, तो अभी वो लेक्चर पूरा कर रहा हूँ और उसके बाद मेरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 hours later। ये देखो अब क्लियर दिख रहा है। 12:26 हुए है, 5 दिसंबर तारीख है 2023, बीकानेर राजस्थान। रिफ्रेश करोगे, ये देखो 12:30 ही बजे हैं। ठीक है, ये प्रूफ है, फेक नहीं बनाता मैं। गाली देना बंद कर दो। और अब मैं अपने पड़ोसी के पास जा रहा हूँ लैपटॉप लेने, क्योंकि मुझे सी लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन वगैरह करने ना, तो मैं लैपटॉप लेके आ रहा हूँ उसका मांग कर। चलो चलो पप्पू। लैपटॉप, चार्जर, थैंक यू, बाय बाय। हाँ, गेट लगा के जाऊंगा। ये देखो ये तो सो गए। वैसे यार कोडिंग करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब सी लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपका दिमाग बहुत लगेगा, आपको बहुत सोचना होगा कि ये कैसे होगा, पर बहुत आसान अप्रोच होगी वहाँ पे। आपको मज़ा आएगा ये सी लैंग्वेज के क्वेश्चन करने में, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। यार देखो 2:30 कैसे बज गए पता ही नहीं चला, मेरे सारे सारे कोड कंप्लीट हो गए। ये मेरे कोड, ये पहला कोड, ये दूसरा कोड, ये तीसरा कोड, ये चौथा कोड, ये पांचवा, ये छठा, सातवा, आठवा, नवा, ये सारे के सारे कोड है। और इनमें अभी एरर इसलिए बता रहा क्योंकि मेरा ये जो VS कोड है ना, जो ढंग से सेटअप नहीं किया हुआ है। बाकी मैं क्रोम पे सी कंपाइलर से ये सारे चेक किए, वहीं पे टाइप किए थे, पर ये अब सेव करने के लिए मुझे VS कोड का यूज लेना पड़ा। और सलीम भाई ये देखो, आपको प्रूफ चाहिए था ना, रात के 2:30 बजे हैं। और 1 सेकेंड रुकना, 2:30 बजे हैं, आपको भी क्रोम पे भी जाके दिखाता हूँ। ये उस टाइम पिछली बार आपको बताया था जब टाइम था, और ये 1 सेकेंड रिफ्रेश करने दो। ये देखो 2:27 हुए हैं। हो चलो ये काम तो खत्म हुआ, अब मैं राहुल आज सर ने जो मुझे काम दिया था ना वो काम करूंगा। यार ये तो मुझे यहाँ पे देखो, मैं ये कंबल है ना, इससे बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, मुझे लगी है जोरदार भूख। और वो सामने अलमीरा है, पर मैं उठ के अलमीरा के पास जाने का मन नहीं कर रहा, इसी कारण मैं यहाँ पे भूखा बैठा हूँ। पर भूखा रहना मंजूर है, पर इससे बाहर ना निकलूं मैं तो। ठीक, अब जल्दी जल्दी मुझे वो असाइनमेंट करना है, और उसके बाद असाइनमेंट करूंगा जब तक 4 बज जाएंगे। फिर पानी गर्म करना है, नहाना है, और उसके बाद मैं सोऊंगा 6 बजे के आसपास। 6 बजे सोऊंगा, फिर 8 बजे उठूंगा और कॉलेज चला जाऊंगा। वैसे अभी राहुल सर ने मुझे रेक्टिफायर के बारे में कहा था कि रेक्टिफायर के बारे में लिखना है, तो मैं पहले रेक्टिफायर के बारे में लिख के उनसे चेक करवाया, तो उन्होंने मुझे आगे और कहा। फिर उन्होंने मुझे कहा तुम अब वोल्टेज आ रहे में इसके बारे में लिख, वोल्टेज एवरेज के बारे में लिख, करंट आ रहे में इसके बारे में लिख, TVF के बारे में लिख, ऐसे मतलब मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है, तो ये सब कुछ मुझे करना है और उनको बताना है। फिर वो मुझे आगे और काम देंगे कि हाँ तुम आगे और कर। मुझे ये काम इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करने में बहुत मज़ा आता है यार, और इनमें मुझे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है मुझे ऐसा लगता है। और रेक्टिफायर वो जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था ना वही है, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो ठीक, मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे 5-10 मिनट ये काम करूँगा और उसके बाद मुझे ये व्लॉग भी एडिट करना है, क्योंकि ये व्लॉग मुझे सुबह 8-9 बजे अपलोड भी करना होता है। तो ठीक, आज के ब्लॉग में इतना ही है, बाय बाय। और सलीम भाई देख लो ये ओरिजिनल है, मैं फेक नहीं बनाता, ठीक है? तो ठीक है, अब से वैसे कमेंट मत करना, तो बाय बाय।